सोचा कि आज जल्दी उठकर पढ़ाई की जाए। जल्दी उठने की कोशिश भी की लेकिन उठ नहीं पाए। सोचा कि मन लगा के पढ़ाई की जाए तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगा। फिर सोचा कि आज रात भर जाग के पढ़ाई की जाए तो कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, और जब पता चलेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। जब पता चलेगा तब इस बात का एहसास होगा कि पढ़ना जरूरी था, लेकिन अभी तो तुम्हारे लिए थोड़ी देर मोबाइल चलाना ही जरूरी है, थोड़ी देर टीवी देखना जरूरी है, दोस्त का फोन आ गया तो उससे बात करना भी जरूरी है, फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पर नजर मारना भी जरूरी है, तुमको दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना भी जरूरी है। छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े कामों को रोकने की कब वजह बन जाती हैं पता भी नहीं चलता। ये बेवजह की चीजों को अपनी जरूरी कामों की लिस्ट से अभी निकाल कर फेंक दो, क्योंकि ये काम इतने जरूरी हैं ही नहीं जितना तुमने इन्हें बना लिया है। तुम्हें लत लग गई है सब चीजों की। सारे काम करने के बाद जब थोड़ा बहुत समय बच जाता है वो समय तुम अपनी पढ़ाई को देते हो। हमेशा ये बात याद रखना कि सही समय पर उठाया गया एक छोटा कदम भविष्य की बड़ी समस्याओं से बचाता है। सुबह नींद नहीं खुलती तो रात भर सोना बंद कर दो। ठान लो कि आज सूर्योदय देखकर ही दम लूंगा, चाहे रात भर जागना पड़े रात भर जागकर पढ़ूंगा। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट नहीं कर लूंगा खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए, ना खाना ना पीना ना सोना और ना सोचना। क्योंकि जब सोचने लग जाओगे कब भटक जाओगे, कब अपनी किताबों को बंद करके अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। जब भी यह बात तुम्हारे मन में आए कि तुमसे नहीं होगा तो हमेशा अपने आप को याद दिला लेना कि तुमसे ही होगा। दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई करके कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेते हो। दिन में 20 घंटे पढ़ने की ठान लो। तुम कहोगे कि ये तो पागलपन है, तो दोस्त पागलपन जरूरी है। साधारण लोगों की तरह सोचोगे, उनकी तरह काम करोगे, उनकी तरह छोटे टारगेट बनाओगे तो जिंदगी में कभी कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े सपने देखने और बड़ी बड़ी बातें करने से किसी को सक्सेस नहीं मिलती। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई मुकाम, ऐसा कोई मंजिल नहीं है जो इंसान की पहुँच से दूर हो। बिल गेट्स, माइकल जैक्सन, सचिन तेंदुलकर, ये जितने लोग भी सफल हुए हैं, इन लोगों की सफलता का राज क्या है? इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि इन लोगों ने हमेशा अपने मन में ये सोचा कि सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, और मेरा जन्म दुनिया में सिर्फ इसी काम को करने के लिए हुआ है। और मेरा जन्म इनके इसी विश्वास ने इन्हें दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति बना दिया। इन्होंने अपनी सोच से इस बात को साबित कर दिया कि इंसान जो भी चाहे वो कर सकता है, बस जरूरत है तो एक दृढ़ सोच और कभी न टूटने वाले हौसले की। दोस्तों, अगर आपने भी अपने मुकाम और अपने लक्ष्य को अपनी जिंदगी बना लिया है तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की सुने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी श्रद्धा से जुट जाइए, और अपने मन में ये निश्चय कर लीजिए कि जब तक इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर लूँगा तब तक मैं किसी के भी रोकने से नहीं रुकूँगा। अगर इस वीडियो में कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस प्रयास का हिस्सा बनिए। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि इस दुनिया में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है, बस आप अपने सकारात्मक सोच के साथ, अपने लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते चलिए। मैं मिलूँगा आपको अगले दिन एक और नई वीडियो के साथ।